झारखंड और देश विदेश की खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है रांची से। झारखंड के गढ़वा जिले के नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले की धीमी जांच से हाईकोर्ट नाराज। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस एन प्रसाद की अदालत में गढ़वा जिले में एक नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में धीमी जांच नाराजगी जताई है। अदालत ने इस मामले में सरकार से पूरी रिपोर्ट तलब की है। मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित की गई है। खबर है धनबाद से। आज से पानी के लिए तरसेगी शहर की 4.5 लाख आबादी। भेलटांड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मचारियों ने की हड़ताल। शनिवार से धनबाद के 4.5 लाख की आबादी को पानी की समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। इसका कारण यह कि पेयजल विभाग के दिन मेंटेनेंस एवं ऑपरेशन का काम देख रही वाटर लिमिटेड के 92 कर्मचारी 3 माह से वेतन न मिलने के विरोध में शुक्रवार से हड़ताल पर चले गए हैं। यह हड़ताल तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इन्हें 3 माह का वेतन और बकाया बोनस नहीं मिल जाता है। इसका सीधा असर शहरी जलापूर्ति पर पड़ेगी। 19 जल मीनार में शहर के 4.5 लाख की आबादी को पानी मिलता है। यह खबर है देवघर से। UPI वॉलेट से ठगी के शिकार पीड़ित को पैसे रिफंड दिलाने के नाम पर भी की ठगी। देवघर से 12 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। साइबर क्रिमिनल का एक और नया कारनामा सामने आया है। अब UPI वॉलेट से ठगी के शिकार पीड़ित को रिफंड पैसे देने के नाम पर ठग लिया है। इस संबंध में देवघर जिला अंतर्गत सारण थाना के पथरडा OP क्षेत्र के गोबरशाला एवं रंगमटिया गांव में छापेमारी कर 12 साइबर क्रिमिनलों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस साइबर क्रिमिनल के पास से 15 मोबाइल सहित 21 सिम कार्ड एवं 2 बाइक भी बरामद किया है। यह जानकारी SP अश्विनी कुमार सिन्हा ने दी है। CM हेमंत सोरेन ने मैट्रिक व इंटर के टॉपरों को क्या सम्मानित। बोले, विदेश में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को मिलेगा आर्थिक सहयोग। झारखंड के हेमंत सोरेन ने झारखंड इंटरमीडिएट एकेडमिक काउंसिल और ICSE बोर्ड के मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में राज्य स्तर पर टॉप करने वाले स्टूडेंट को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत 9 श्रेणियों में चयनित 119 स्कूलों में से सांकेतिक रूप से 9 स्कूलों को CM श्री हेमंत सोरेन ने पुरस्कृत किया। वहीं स्कूल सर्टिफिकेशन के अंतर्गत कास्ट श्रेणी में चयनित राज्य के 569 स्कूलों में से सांकेतिक रूप से 3 स्कूलों को प्रमाण पत्र एवं मोमेंटम प्रदान कर सम्मानित किया। झारखंड की हेमंत सरकार जाने किस दिन करेगी नई खेल नीति की घोषणा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 29 दिसंबर को 1 साल की हो जाएगी। सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर नई खेल नीति की घोषणा की जाएगी, साथ ही नए कुछ अन्य योजनाएं की भी घोषित होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को पर्यटन, कला, सांस्कृतिक, खेलकूद और युवा कार्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये बातें कही। CM ने झारखंड को देश और दुनिया के पर्यटन मैप में लाने की भी बात कही। झारखंड में अब पैसे के अभाव में बाधित नहीं होगी पढ़ाई। विदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। तो आइए जानते हैं क्या किए हैं तैयारी इसके लिए। सरकार विदेश में जाकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। राज्य में अब किसी भी बच्चे की पैसा के अभाव में पढ़ाई नहीं बाधित होगी। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में टॉपर विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने सरकारी, गैर सरकारी सभी कोटि के विद्यालय के बच्चों को पुरस्कृत किया है। चीफ जस्टिस ने कहा, बैन के बाद भी गुटखा मिलना अधिकारियों के लापरवाही है। एंट्री पॉइंट पर लगाए बैन। प्रतिबंध के बावजूद राज्य में गुटखा और पान मसाले की खुलेआम बिक्री होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर से नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने गुटखा और पान मसालों पर प्रतिबंध लगाकर लोगों को स्वास्थ्य को लेकर अच्छी नीति बनाई है, लेकिन अधिकारियों की इच्छा शक्ति की कमी के कारण यह नीति फेल हो गई है। शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने अभी भी खुले आम गुटखा की बिक्री होने पर नाराजगी जताई है।
कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद गुटखा राज्य में कैसे प्रवेश कर रहा है। गुटखा का एंट्री पॉइंट पर ही बैन लगाना चाहिए और एंट्री पॉइंट से प्रवेश करने पर दोषी अधिकारी और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार को अपनी नीति को सफल बनाने के लिए गंभीरता से काम करना होगा। खबर है रांची से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रांची के ओरझा मांझी में हुआ बड़ा खेल। गोदाम पहुंचा न दुकान, कागज पर बढ़ गया अनाज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाज नवंबर में FCI गोदाम पहुंचा जन वितरण की दुकान में, लेकिन 57 डीलरों ने ऑनलाइन करी 2200 क्विंटल अनाज गरीबों में बांट दिया है। इस घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद BSO ने 39 डीलर से जवाब मांगा है। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का ठहराव एवं टाइम टेबल बदलाव, ये है लेटेस्ट अपडेट। तो आइए जानते हैं। ट्रेनों की गति बढ़ाने तथा परिचालन की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनों की समय सारणी एवं ठहराव में परिवर्तन किया गया है। ट्रेन संख्या 02835 हटिया यशवंतपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 30 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को हटिया से चलेगी। यही ट्रेन हटिया में शाम 5:30 खुलेगी। राउरकेला आवागमन रात 9 बजे, विशाखापट्टनम आवागमन सुबह 8:40 तथा यशवंतपुर आवागमन सुबह 3:45 होगा। खबर अब देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेल से। 65 मस्जिदें ध्वस्त, एक के बाद एक गिरा दिए चीन ने, लगातार नष्ट कर रहा है वजूद। चीन द्वारा मुस्लिमों पर किए जा रहे अत्याचार की बात किसी से छुपी नहीं है। चीन में मुसलमानों को लगातार मारा जा रहा है, उनकी मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी दुनिया तो यह पता है कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन चीन का असली रंग तो मुसलमान बहुत अच्छे से जानते हैं। चीन के इन अत्याचार के बाद भी पाकिस्तान इस पर चुप्पी साधे हुए है। अत्याचारों की कड़ी में चीन लगातार कई सालों से तेजी से कड़े शहरों, कस्बों और छोटे गांवों में सभी से मस्जिदों को, गुंबदों को नष्ट कर दिया गया है। ओ चमचे चल तू, जिनकी चाट के काम लेता है मैं उसकी रोज बजाती हूँ। कंगना और दिलजीत दोसांझ में ट्वीट पर छिड़ी जंग। कंगना रनौत ने दिलजीत के एक ट्वीट पर मुंहतोड़ जवाब देते हुए लिखा, ओ करण जौहर के पालतू, जो दादी शाहीन बाग में अपनी नागरिकता के लिए आंदोलन कर रही थी, वो ही बिल्किस बानो दादी जी किसान आंदोलन के MSP के लिए भी आंदोलन करती हुई दिखी। महिंदर कौर जी तो मैं जानती भी नहीं, क्या ड्रामा चलाया है तू, लोगों ने मुझे तुरंत खत्म करो। अब दिलजीत ने इस पर पलटवार करते हुए लिखा, तूने जितने लोगों के साथ फिल्म की तू उन सबकी पालतू है, फिर तो लिस्ट लंबी हो जाएगी मालिकों की। ये बॉलीवुड वाले नहीं पंजाब वाले हैं, झूठ बोलकर लोगों को भड़काना और इमोशंस खोलना आप अच्छे से जानती हो। फंस गई कांग्रेस समर्पित सोरेन सरकार, लालू को बंगले में शिफ्ट करने पर हाई कोर्ट ने पूछा बड़ा सवाल। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खा रहे राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव सिर्फ नाम के जेल में बंद है, बाकी वह पूरे ऐशो आराम के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लालू यादव इस समय रिम्स के निदेशक के बंगले में रह रहे हैं। झारखंड में जब से कांग्रेस समर्पित हेमंत सोरेन की सरकार बनी, तब से लालू को VIP सुविधाएं मिलना शुरू हो गई है। सरकार में लालू की पार्टी RJD भी शामिल है। अमेरिका ने चलाया चीन पर और एक हथौड़ा, जाते जाते जिनपिंग को खून के आंसू रुला रहे हैं ट्रंप। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। हालांकि व्हाइट हाउस में अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल जनवरी तक है। बीते कुछ महीनों को देखा जाए तो अमेरिका और चीन के बीच काफी तनातनी देखते को मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है, साथ ही ट्रंप ने कोरोना के लिए चीन को ही दोषी ठहराया है। टेरर फंडिंग वाले विदेशी संगठनों से AIUDF के अजमल फाउंडेशन को मिले करोड़ों, असम में कांग्रेस की है साथी। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट असम में कांग्रेस की साझेदारी रही है। इसी AIUDF से जुड़े अजमल फाउंडेशन पर विभिन्न संदिग्ध स्रोतों से 9.55 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगा है। 3 दिन में 3 मर्डर, अररिया का मोहम्मद रजी
गुरुग्राम में बन गया सीरियल किलर। पहले लूटता था, फिर निर्मम तरीके से करता था कत्ल। साइबर सिटी में सिलसिलेवार हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक सीरियल किलर को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित का नाम मोहम्मद रजी है और वह मूल रूप से बिहार के अररिया जिले के रहने वाला है। जांच के दौरान मोहम्मद रजी ने लूट के बाद पकड़े जाने के डर से लगातार 3 दिन में 3 हत्याएं करने के बाद कबूल कर ली है। ने छठ पर भी संयम रखा, लेकिन दिल्ली को बार बार बंधक बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, जीवन के साथ खिलवाड़ रोके। साल 2020 की शुरुआत से ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हालात किसी से छिपे नहीं है। पहले शाहीन बाग का प्रदर्शन, फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे, बाद में कोरोना की मार और अब किसान आंदोलन। दिल्ली के सड़कें यहां के निवासियों के लिए आए दिन असुविधा पैदा कर रही है। ऐसे में भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि दिल्ली वासियों को बार बार बंधक बनाया जाना अब बंद हो और यहाँ की सड़कें खोली जाए। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का 2012 का वीडियो आया सामने, मोदी सरकार जैसे कृषि कानून की कर रहे थे वकालत। नए कृषि सुधार कानून पर कांग्रेस का दोगलापन एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहा है। जिन कानून को लेकर कांग्रेस संसद से लेकर घोषणा पत्र तक आवाजें उठाती रही, आज उसी कानून के खिलाफ खड़ी है। कांग्रेस के शीर्ष नेता जहां कृषि कानून के विरोध में आंदोलनकारी किसानों को पूरा समर्थन दे रहे हैं, वहीं उनके पुराने बयान भी सामने आ रहे हैं। यूपीए सरकार में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का 2012 का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो नए कृषि कानून के तरह ही कानून में संशोधन की वकालत कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन पर दी बड़ी खुशखबरी, कहा खत्म होने वाला है इंतजार। कल नेवी दिवस था। नेवी दिवस पर भारत की नौसेना के इतिहास, शौर्य और समुद्री विरासत को दर्शाती पहली कॉमिक लॉन्च। नौसेना दिवस के अवसर पर शुक्रवार को भारतीय नौसेना के इतिहास, शौर्य और समुद्री विरासत को दर्शाती पहली कॉमिक लॉन्च हुई है। 3 कॉमिक बुक सीरीज की यह पहली कॉमिक है। नौसेना के वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने लॉन्च किया है। इस कॉमिक सीरीज को अमर चित्र कथा के साथ मिलकर प्रकाशित किया जा रहा है। कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट की सीमा 5,000, जाने रिजर्व बैंक के ऐलान की बड़ी बातें। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 4% और रिवर्स रेपो रेट की 3.35% पर बरकरार रखा। कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट 5,000 तक होगा। आरबीआई ने कहा कि कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपया किया जाएगा। यह फैसला 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। वहीं अगले कुछ दिनों में आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा 24 घंटे मिलने लगेगी। इकोनॉमी में तेज रिकवरी के आरबीआई के संकेत से उछल गया शेयर बाजार, सेंसेक्स पहली बार 45,000 के पार। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समीक्षा पेश की। ब्याज दरों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन रिजर्व बैंक ने यह संकेत दिए हैं कि अर्थव्यवस्था में अनुमान से ज्यादा तेजी से सुधार हो रहा है। इसकी वजह से शेयर बाजार में अच्छी तेजी आई है और सेंसेक्स ने अपने इतिहास में पहली बार 45,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इन स्कीम से नहीं निकाल सकेंगे पैसा। फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड के निदेशकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड के 6 स्कीम से पैसे निकालने का फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक निवेशक यूनिट्स को बेच नहीं सकेंगे। कम नहीं होगी आपके लोन की ईएमआई, आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। एमपीसी ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि बैंकों को रिजर्व बैंक से लोन 4% पर ही मिलेगा। इसे बैंक भी लोगों के लिए लोन सस्ता नहीं करेगी। रिजर्व रेपो रेट की 3.35% पर बरकरार रखा है। खबर खेल जगत से, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में टी20 में भारत की जीत से आगाज, ऑस्ट्रेलिया को 11 रनों से हराया। टीम इंडिया ने 3 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज जीत के साथ किया है।
विराट ब्रिगेड के कैनबेरा से मनुका ओवल मैदान पर खेले गए पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 11 रनों से शिकस्त दे दिया है। वनडे सीरीज एक दो से गंवाने के बाद भारत ने T20 सीरीज का बेहतरीन शुरुआत की है और 1-0 से बढ़त बनाई है। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 161 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत के लिए 162 रन का टारगेट दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 150 रन ही बना पाई। भारत के लिए T20 नटराजन और यजुंद्र चहल ने 3-3 विकेट चटके, दीपक चहर ने 1 विकेट लिया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।